हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन क्लास सिक्स का चैप्टर वन हु डिड पेट्रिक्स होमवर्क पेट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेंड पैट्रिक एक बच्चा था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था उसे लगता था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है इसके बजाय वो हॉकी खेलता था बास्केटबॉल खेलता था और एक निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है उसको वो खेलना पसंद करता था टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोट लर्न अ थिंग उसके जो टीचर्स थे वो उससे कहते थे पैट्रिक तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे एंड इट्स ट्रू समाइम्स ही डिज फील लाइक एंड इग्नॉर मस बट वट कुड ही डू ही हेटिड होमवर्क और जो पैट्रिक था कई बार उसे भी लगता था कि वो होमवर्क नहीं करता है तो उसको मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उसे कुछ समझ वमझ नहीं आता है ज़्यादा मगर क्या कर सकते थे उसको होमवर्क करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था इग्नॉर्मस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको पढ़ाई के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज ना हो देन वन डे ही फाउंड कैट प्लेइंग विद लिटिल डॉट एंड ही इट अवे एक दिन क्या हुआ उसने देखा कि जो उसकी बिल्ली थी वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी और उसने पैट्रिक ने उस गुड़िया को छीन लिया और वहाँ से हटा दिया टू हिज सरप्राइज इट वॉज इंट एड ऑल एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनिएस्ट साइज मगर उसने जैसे ही देखा तो वो एक डॉल या गुड़िया नहीं थी वो तो एक बहुत ही छोटा सा आदमी था जो उसका जो हाइट थी साइज था वो बहुत ही जोटा था ही हैड अ लिटल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड अ हाइट ऑल हैड मच लाइक अ विच और वो जो आदमी था जो बहुत ही छोटा था उसने बहुत ही पुराने तरह के ब्रीचेस पहने हुए थे ब्रीचेस होते हैं जैसे कि छोटे छोटे से ट्राउजर्स पैंट्स होती हैं छोटी छोटी सी और उसने एक हैट लगाई हुई थी जो उसकी जो टोपी थी वो विचेस मतलब जैसे जो चुड़ैले होती थी ना जैसे दिखाते हैं मूवीज़ में और कार्टून्स में ऐसी ट्राइंगर सी हैट लगाई होती है विचेस ने तो इस टाइप की उसने हैट लगाई हुई थी ही येल्ड Save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish, I promise you that. तो वो जो छोटा सा आदमी होता है वो चिल्ला रहा होता है बचाओ बचाओ मुझे इस बिल्ली से बचाओ अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा मतलब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा मैं तुमसे ये वादा करता हूँ पैट्रिक को डेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज देयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स पैट्रिक को लगा कि वो कितना ज़्यादा लकी है उसको तो सारी जितनी भी उसकी दिक्कतें थी वो तो उसकी सारी सॉल्व हो जाएंगी इससे सो ही सेट ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स थर्टी फाइव डेज तो फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें बचा लूँगा मगर तुम्हें मेरा सारा का सारा होमवर्क करना पड़ेगा जब तक मेरे सेमेस्टर नहीं ख़त्म हो जाते और सेमेस्टर ख़त्म होने में थर्टी फाइव दिन बचे हुए थे इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज और फिर वो कहता है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया तो हो सकता है कि मुझे सारे के सारे ए ही मिल जाएँ द लिटिल मैं फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द दैम्पर तो जो छोटा सा मैन था उसका जो फेस था चेहरा रिंकल्ड हो गया रिंकल मतलब उसमें जैसे आप लोग मुंह नाक से हो तो आपके चेहरे पर लाइन्स पड़ जाती है ना तो उसको रिंकल बोलते हैं और डिश क्लॉथ मतलब जैसे कि जो खाना हम लोग खाते हैं और एक अगर कपड़ा अपने आगे को डाल लेते हैं या फिर उससे हम लोग कपड़े मतलब बर्तन धोते हैं तो उसको हम कहते हैं डिश क्लोथ तो वो एकदम से ऐसा हो गया उसका चेहरा उस छोटे से जो आदमी था कि जैसे कि बिल्कुल सुकड़ गया जैसे जो सुकड़ा हुआ कपड़ा होता है जिससे बर्तन साफ करते हैं वैसा उसका चेहरा हो गया ही किक हिज लेग एंड डबल हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्सड एंड स्कोल्ड एंड पुष्ट स्लिप्स ओ आई एम कर्स्ट बट आई विल डू इट फिर वो क्या करता है उसको बहुत ही थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है वो अपने मुंह बंद करता है उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं उसे गुस्सा आता है और वो मना करने वाला होता है छोटा सा जो आदमी होता है मगर वो क्या कर सकता था अगर वो मना करता तो बिल्ली तो उसको मारी डालती तो वो कहता है ठीक है मैं इसको कर लूँगा एंड ट्रू टू हिज word, दैट लिटिल एल्फ began टू डू पैट्रिक्स होमवर्क तो फिर जैसे कि पैट्रिक ने उसे उस बिल्ली से बचा दिया था तो वो छोटा सा जो आदमी होता है ना जो बहुत ही टाइनी मैन होते हैं उनको हम एल्फ कहते हैं ठीक है तो इसमें अब इसमें एल्फ का चैप्टर में एल्फ का यूज़ किया जाएगा उस आदमी के लिए तो वो क्या करता है आदमी जो उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो पैट्रिक का होमवर्क करेगा तो वो करता है ऐसा एक्सेप्ट देर वॉज अ क्लच द एल्फ डिड एंड ऑलवेज टू वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प तो मगर क्या होता है वो कहता तो है कि हाँ मैं करूँगा मगर क्या होता है इस चीज़ में छोटा सा ग्लिच क्या होता है मतलब जैसे छोटी सी प्रॉब्लम होती है इसमें वो क्या होती है कि एल्फ़ को हमेशा नहीं पता होता था कि उसमें होमवर्क में क्या करना है तो वो कहता था भाई देखो मुझे तो, मुझे तो, तो तुम्हारी हेल्प चाहिए तो फिर वो कहता है एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे और जो उसको एल्फ़ को हेल्प चाहिए होती है और पेट्रिक को भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है जैसा कि वो कहता है I don't know this word. The elf squeezed while reading Patrick's homework. तो so, uh, elf जो होता है वो Patrick का homework कर रहा होता है तो वो कहता है पैट्रिक uh, से कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है ये तुम जाओ डिक्शनरी लेके आओ सो गेट मी अ डिक्शनरी नो वर्ड्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर फिर वो कहता है मुझे इस लेटर का मतलब नहीं मतलब ये जो वर्ड है इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो so, तुम जाओ डिक्शनरी लेके आओ फिर कहता है नहीं डिक्शनरी से बेटर तुम इसका एक एक वर्ड पढ़ो एक एक लेटर पढ़ो इसका और मुझे ज़ोर ज़ोर से पढ़ के सुनाओ वेन इट कम्स टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक वेयर आर टाइम टेबल्स द एल्फ श्रिंगड फिर मगर जब मैथ्स आती है तो वहाँ पे डिक्शनरी भी यूज़ नहीं हो सकती थी तो जो एल्फ होता है वो कहता है टाइम टेबल्स क्या होती हैं भाई एल्फ को मतलब अजीब सा हो जाता है वो हाँ वो श्रिग्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तीखी सी आवाज़ में चिल्लाना द एल्फ्स नैवर नीड दैट एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन बिसाइड मी यू सिंपली मस्ट गाइड मी तो वो कहता है एल्फ कि हमें भी हमें कभी भी इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी जैसे कि प्लस करना माइनस करना डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना ये सब क्या होता है मेरे साथ में बैठू और मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारी हेल्प कैसे करनी है फिर क्या होता है आगे एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू दैम इट्स अस्ट्री सो दिटल एल्फ ऑलरेडी अट जस्ट गॉट louder. गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स और उसको मैथ्स भी नहीं आती थी और जब हिस्ट्री की बात आती है तो जो एल्फ्स होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है तो जब हिस्ट्री पढ़ने की बात होती है तो जो एल्फ होता है वो और ज़्यादा जलाने लगता है और जैसे कि ह्यूमन की जो हिस्ट्री होती है वो तो उसके लिए एक मिस्ट्री होती है हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास मिस्ट्री का मतलब होता है पहेली तो ह्यूमन का इतिहास तो उसके लिए एक पहेली जैसा होता है फिर वो और तेज चिल्लाता है और कहता है जाओ लाइब्रेरी से जा कर मेरे लिए बुक लेके आओ मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू खूब सारी किताबें लेके आओ और तुम उनको पढ़ने में मेरी मदद भी कर सकते हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल एड वॉज एन नैग पैट्रिक वॉज़ वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स हेड नेवर फेल सो वियर वॉज गोइंग टू स्कूल विद इस आई पफ एंड वियरी तो जो वो था ना एल्फ था वो बहुत ही ऐसा था नैक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना लोगों को सबको इधर उधर परेशान करते रहते हैं वो उनको बोलते हैं नैक तो पैट्रिक को क्या करता था वो ये इसकी बुक लाओ उसकी बुक लाओ मुझे ये नहीं आता मुझे वो नहीं आता मेरी हेल्प करो ऐसा करके पैट्रिक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी वो रात रात जागता था फिर जब सुबह बिल्कुल नींदों में वो स्कूल जाता था Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. और फिर finally क्या हुआ कि school का आखिरी दिन आ गया और अब elf, elf free था क्योंकि उसने उसका सारा homework करवा दिया था या जो भी था फिर वो जा सकता था As for homework there was no more so he quietly and slowly slipped out of the back door. तो वो क्या होता है आपको होमवर्क तो बचानी होता है तो वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जाता है स्लेली मतलब चुपचाप सीक्रेटली चुपचाप चुपके से पैट्रिक कॉट हिज एज हिज क्लास मेट्स वर अमेज पैट्रिक को क्या होता है कि पूरे उसमें जो फाइनल उसका होता है उसमें उसको ए मिलते हैं उसके क्लास मेट्स जो होते हैं वो तो बड़े हैरान परेशान से हो जाते हैं अमेज का मतलब होता है, हैरान होना हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिस्स पेरेंट्स दे वंडर वॉट हैड हैपन टू द पैट्रिक और जो टीचर्स होते हैं वो स्माइल करते हैं और उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं पेट्रिक की और उसके पेरेंट्स उनको तो लगता है कि आखिर हो गया क्या पैट्रिक को ही वॉज़ नाउ द मॉडल कैट क्लिन हिज रूम दिट इज जोर्स वॉज चेयरफुल नेवर रूड लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड फिर क्या होता है जो पैट्रिक होता है वो बिल्कुल अच्छा बच्चा बन गया होता है अपना रूम भी साफ रखता है अपने सारे काम करता है खुश रहता है दूसरों से बिगड़ के बात नहीं करता अच्छे से बात करता है और उसका एक बिल्कुल ही मतलब अलग सा एटीट्यूड आ गया होता है एटीट्यूड का मतलब होता है कि किस चीज़ के बारे में हम कैसा फ़ील करते हैं उसको कैसा समझते हैं यू सी इन द एंड पेट्रिक स्टिल थाट ही वुड हैव डन ही वुड हैव मेड द टाइनी मैन डू ऑल हीज होम वर्क और लास्ट में ऐसा होता है कि मतलब पेट्रिक को तो ऐसा लगता है कि जो सारा का सारा काम होता है वो उस एल्फ ने वो छोटा सा जो आदमी था उसने किया होता है बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी इट वॉज इन द एल्फ पेट्रिक हैड डेड इट हिम्स मगर क्या होता है जो राइटर होते हैं वो लास्ट में बोलते हैं कि मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ काम जो सारा किया था ना वो पैट्रिक नहीं किया था एल्फ़ ने तो कुछ किया ही नहीं था वो कैसे बताइए क्योंकि जो एल्फ होता है वो तो कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं आता मुझे तो वो भी नहीं आता मुझे मैथ्स बताओ ये एडिशन कैसे हो होता है सब्ट्रैक्शन कैसे होता है हिस्ट्री क्या होती है बुक्स लेके आओ मुझे पढ़ के बताओ तो मतलब सारा का सारी चीज़ें पढ़ाई करना और मैथ्स करना कैलकुलेशन करना ये सारा काम तो पैट्रिक ही कर रहा था तो एट दी एंड सारा काम पैट्रिक ने ही किया था पैट्रिक को सिर्फ ऐसा लगता था कि किसी और ने उसके लिए होमवर्क किया है सो so, आपको कैसा लगा चैप्टर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो so मच